और अब सीधे चलते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफिस, जहां हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन मोतीलाल ओसवाल और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मनीष सौंथालिया जुड़ रहे हैं। ओके, हमारे साथ अब मोतीलाल ओसवाल और मनीष सौंथालिया दोनों जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज इस इम्पोर्टेंट दिन पर हमारे साथ जुड़ निकले। मोतीलाल जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, बहुत चर्चा की हमने, सबका यही मानना है कि एक क्लियर रोड मैप होना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स भी सर, लेकिन जो बहुत ही ग्राउंड लेवल की दिक्कतें हैं, जिस तरह से हम बात कर रहे थे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर, सब्सिडीज को लेकर, जीएसटी को लेकर, ऐसी कौन सी दो तीन चीजें हैं जिन पर आप स्पेशली नजर रख रहे हैं और आपको लग रहे हैं कि वो चीजें फिर बाजार को प्रॉबेबली 8,000 तक भी आज ले जाए? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आई थिंक एट नेशनल लेवल व्हाट इज आवर काइंड ऑफ आई थिंक विजन, हमारा जो विजन है ना उसमें क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि आई थिंक बिट्स एंड पीसेज में पिछले काफी 35-40 दिन में काफी स्टेटमेंट आए हैं, लेकिन एक बजट ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पर गवर्नमेंट का एक क्लियर विजन आता है। और दूसरा, जो आपकी जो मेजर चैलेंजेस है, मेजर प्रॉब्लम्स है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है या टैक्सेशन रिलेटेड इश्यूज है या फिजिकल काइंड ऑफ आई थिंक कंसोलिडेशन है, उसमें भी एक क्या रोड मैप आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे पर्सनली लगता है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने प्रोमिसेज किए हैं उसके हिसाब से डेफिनेटली एक बोल्ड इनोवेटिव और डिफरेंट बजट आने की मुझे आशा है। हाय मनीष, गुड मॉर्निंग, आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि होप्स पर ही चुनाव जीता गया और वो होप्स अब तक बरकरार है, काफी बड़े होप्स के साथ अब हम एंटर कर रहे हैं इस बजट के लिए, ये बताइए इतनी सारी होप्स को मैनेज कर पाना आसान बात नहीं है, तो यहां से बाजार अब किस तरह से व्यू लेगा अगर इनमें से कोई भी होप्स पूरी नहीं हो पाती हैं तो? देखिए, मेरे हिसाब से अगर एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली बहुत हाई है और अगर एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है तो बाजार में भी 5% यहाँ से गिर सकता है। तो वी आर टॉकिंग एट 7550 लेवल्स ऑन निफ्टी, मे बी 7200-7300 तक जा सकता है बाजार, पर अगर एक्सपेक्टेशन में कुछ भी मीट हो जाती है, और सबसे ज़्यादा बाजार का फोकस एक्चुअली फिस्कल कंसोलिडेशन पर रहेगा और खर्चे आपके हाथ में ज़्यादा हैं बनिस्पत रेवेन्यू के, कि टैक्स बॉयंसी कितनी होगी, क्योंकि इंडिया इज पासिंग थ्रू अ टफ फेज, तो अगर आप खर्चे कंट्रोल कर सकें, सब्सिडीज कंट्रोल कर सकें, और इसका अगर कुछ इम्प्लीमेंटेशन का कुछ रोड मैप बजट डॉक्यूमेंट में अनाउंस होता है तो वो काफ़ी पॉजिटिवली मार्केट व्यू करेगा। और अगर आप LPG के बारे में अगर कुछ बात करें या डाइवेस्टमेंट किस तरह के होंगे इसके बारे में बात करें, या फिर ऑगमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू में अगर आप वन टाइम सेटलमेंट स्कीम करते हैं, क्योंकि 4.5-5 लाख करोड़ का टैक्स डिस्प्यूट खड़ा है, ये अगर वन टाइम सेटलमेंट कौसाई एमनेस्टी स्कीम वगैरह आती है तो ये काफ़ी पॉजिटिवली, मोटा मोटी बात ये है कि अगर आप फिस्कल डेफिसिट को विद इन 4.5% ऑफ GDP अगर रख पाते हैं और मार्केट ये कन्विंस हो जाता है तो मार्केट 8,000 की तरफ डेफिनेटली बढ़ सकता है। मोतीलाल ओसवाल जी, आपसे राय लेना चाहता हूँ डिसइन्वेस्टमेंट पर, क्योंकि वोट ऑन अकाउंट में 56,900 करोड़ रुपीस के आसपास का FY15 का डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा था, क्या लगता है वो लक्ष्य अब थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि सरकार को पैसा जुटाने की जरूरत है अब इस पूरी की पूरी एग्रेसिव प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए? डेफिनेटली मुझे लगता है कि जितना हमारा पोटेंशियल है 56,000 को, उसका एक अच्छा छोटा टारगेट, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टारगेट है, कंपेयर टू प्रीवियस पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा लग रहा है, लेकिन पोटेंशियल बहुत बड़ा। आप देखिए कि गवर्नमेंट का जिस हिसाब से अंडरटेकिंग्स है, बड़ी से बड़ी इंस्टीट्यूशन है, बैंक में हो या इवन अदर पब्लिक सेक्टर हो या इंश्योरेंस में हो, एक 56,000 का कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, अचीवेबल है, और एक बहुत बड़ा फैक्टर डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पर, और फॉर्चुनेटली मार्केट कंडीशन काफी फेवरेबल है, FIIs फॉरनर्स को इंडिया में काफी इंटरेस्ट है, आई थिंक डोमेस्टिक जो एक रिडम्पशन हो रहा था वो भी काफी बंद होते नॉन डोमेस्टिक भी नेट बाइंग हुआ है, सो मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं कि भाई यू मस्ट हिट व्हेन द आयरन इज वेरी हॉट, सो अच्छे बाजार में गवर्नमेंट को एक एम्बिशियस टारगेट लेकर चलना चाहिए, और मुझे लगता है कि इवन 1,00,000 करोड़ का भी अगर उनका टारगेट होगा तो अच्छे हो सकता है, प्रोवाइडेड आई थिंक दे हैव द राइट काइंड ऑफ आई वुड से आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपनीज एंड वेरी स्ट्रांग एग्जीक्यूशन मशीनरी।
बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन अगर मशीनरी सही हो तो ऑफकोर्स 1,00,000 करोड़ तक का भी डिवेस्टमेंट टारगेट अगर हो वो भी अचीव हो सकता है. विकास ऑफकोर्स हम सेक्टर्स की बात कर रहे थे, बहुत सारे सेक्टर्स है, इंफ्रा हो गया, ज्वेलरी हो गया, जिनकी एक्सपेक्टेशंस बिल्ट इन है, राना पा चुका है इन सेक्टर्स में. क्या कोई ऐसा भी सेक्टर है जहां आपको लग रहा है कि मार्केट ने इग्नोर किया है और प्रॉबेबली वहां पर कुछ सरप्राइज आ सकता है? जितनी एक्सपेक्टेशन बाजार में आ गई है आई थिंक वो सब तो मेरे ख्याल से है, तो ऐसा कोई ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि अगर कोई जीएसटी जैसा रोडमैप आएगा तो जो भी एक सेक्टर्स हैं अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो मूवमेंट होनी है वो सेक्टर्स काफी अच्छा करेंगे. सो आई थिंक इट विल डिपेंड, ऐसा कोई मतलब स्पेसिफिक सेक्टर तो मैं नहीं हाईलाइट करना चाहूंगा, पर मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज अगर एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा तो यू नो बैंकिंग सेक्टर में अच्छी आएगी, कैपिटल गुड सेक्टर में अच्छा एक तेजी का रुझान आएगा, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज मूवमेंट वाले सेक्टर्स के अंदर अच्छा रुझान आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी अच्छा रुझान आएगा. सो आई थिंक ये ब्रॉड बेस्ड सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट बनना चाहिए. दिलीप जी, बाजार को एक अपेक्षा काफी है और वो है शायद एसटीटी अगर कट हो जाए, तो ये बताइए कितनी प्रोबेबिलिटी आपको अब लगती है एसटीटी घटता हुआ नजर आएगा, और अगर घटता है तो शेयर बाजार में क्या तेजी देखने को मिल सकती है आज के सत्र में? जरूर, अगर ये एक दिशा में अगर कोई एक कदम ले और उसको एग्रेस करे या रीजनेबली, तो मुझे लगता है कि शायद मार्केट्स विल व्यू इट वेरी पॉजिटिवली ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड आल्सो इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम्स आल्सो एंड द इंटरेस्ट इन द मार्केट्स स्पेशली ऑन द आर्बिट्राज फ्रंट. क्योंकि मोतीलाल जी भी हमारे साथ हैं, मोतीलाल जी आपसे भी यही सवाल होगा मेरा, क्या क्या चाहिए, क्योंकि सरकार ने कुछ काम करने के लिए पहले भी बोला था कि प्राइमरी मार्केट को बढ़ावा देना होगा, अभी भी देखिए आप रिटेल निवेशक दूर हैं और हम हाईस पर लाइफ हाईस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, क्या क्या चीजें उठानी चाहिए कदम इस बजट में जिससे रिटेल निवेशक वापस बाजार में आए, क्या एक डायरेक्शन एक ट्रिगर ये एसटीटी का हो सकता है? देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स को सबसे बड़ी एक जो जरूरत होती है साइकोलॉजिकली की एक होप की या एक कॉन्फिडेंस की हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप कैसी है और एक कॉर्पोरेट लीडरशिप कैसी है. सो एक कॉन्फिडेंस ऑफ क्राइसिस था जो पिछले सालों में उसके साथ रेल काफी यहाँ से नर्वस होकर गया, लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक नव गवर्नमेंट इफ अगर वो एक होप देते हैं, एक ऑप्टिमिज्म देते हैं, एक अच्छा बोल्ड विजन देते हैं, एक अच्छा एग्जीक्यूशन प्लान देते हैं, तो मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का एक आना एक ईजी कनफाइंग ऑप्शन है. बाजार में बाजार के लिए डायरेक्टली अगर रिटेल इन्वेस्टर को देखेंगे, जैसे गवर्नमेंट का जो ETF आया था उसमें रिटेल को डिस्काउंट दिया था, उस ETF में पब्लिक ने बहुत पैसा कमाया. सो आई थिंक अगर PSU डाइवेस्टमेंट का बहुत बड़ा टारगेट है, उसमें कुछ डिस्काउंट मिलता है रिटेल इन्वेस्टर्स को, तो आई थिंक इन्वेस्टर्स काफी वापस आ सकते हैं. सेकेंडरी मार्केट में जैसे दो तीन बड़े इशू है, जैसे एक कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा है, जैसे आपने जैसे बताया कि STT है या स्टाम्प ड्यूटीज है या इवन अदर काइंड ऑफ एक्सचेंज लेवीज है, सर्विस टैक्स है. सो मुझे लगता है कि उसमें कुछ अगर कमी होती है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम होता है, तो बाजार में लिक्विडिटी भी आएगी और ओवरऑल एक इन्वेस्टर्स को लगेगा कि चलो गवर्नमेंट का एक मेरे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल मार्केट के लिए कुछ किया है. ओके मनीष, एक्चुअली इसी का एक एक्सटेंडेड सवाल है, क्योंकि हम बात करें कि रोड मैप एक क्लियर आना चाहिए, क्या आपको लग रहा है फिर ये बजट सरकार की उस इंटेंशन को भी दर्शाएगा कि एक्चुअली अब इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन यहाँ पर आएगी, और फिर जिस तरह की बुलरन्स की हम बात कर रहे हैं कि एक लंबी बुलरन चलेगी भारत में, उसी की शुरुआत एक देखने को मिलेगी? बातें तो बहुत हो गई है, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब ने बहुत बातें की हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ही बस अब मार्केट देखने को हतोर है. तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप जो रोड मैप ले आउट कर रहे हैं उसको आप कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकें और कितनी सरलता से इम्प्लीमेंट कर सकें, बस यही मार्केट देखना चाहता है. और अगर ऐसा कुछ फीलिंग बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आता है तो मार्केट उसको काफी पॉजिटिवली लेगा. चलिए बात तो इम्प्लीमेंटेशन ये की वर्ड होगा जो देखना चाहता है बाजार इस बजट में. मात्र आधा घंटा बचा है अब बजट भाषण के लिए, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ. आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर CNBC आवाज पर आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए. बिल्कुल, लेकिन हेमंत हम अपने दर्शकों को बता दें कि बजट के साथ साथ आपको मालामाल करने के लिए CNBC आवाज लेकर आया है बजट बोनांजा, जिसमें भाग लेकर
आप जीत सकते हैं एप्पल आईपैड सहित ढेरों शानदार इनाम, वो भी हर घंटे। आपको बस एक आसान से सवाल का जवाब देना है, तो नोट कीजिए इस घंटे का सवाल। आपको बताना है कि बजट साल में कितनी बार पेश किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए एक बार, या फिर बी चार बार। जवाब देना बहुत ही आसान है, आपको बस ये करना है एक मिस्ड कॉल देनी है। अगर आपका जवाब है ऑप्शन ए तो मिस्ड कॉल करने के लिए नंबर है 1800120 5305। अगर आपका जवाब है ऑप्शन बी तो मिस्ड कॉल करें 1800120 5306 पर।